आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। कोरिया से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कोरिया में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में जानकारी दी गई। इसमें प्राचार्य मिलन जारोलिया, दीपक दीक्षित गौ संवर्धन बोर्ड के जिला उपाध्यक्ष हेमराज राजपूत, शिक्षक प्रसन्न कौरव, शिक्षिका सीमा कौरव ने कहा कि जीवन एक अनमोल धरोहर है, इसे वाहन चलाते समय सुरक्षित बचा करके ही वाहन चलाना चाहिए। वाहन चलाते समय यातायात नियमों व संकेतों का ध्यान रखकर यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल से बात नहीं करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, बिना हेलमेट दुपहिया वाहन को सड़क पर नहीं चलाएं। उन्होंने कहा कि लापरवाही के चलते आए दिन घटित हो रहे हादसों को रोकने के लिए हेलमेट सुरक्षा कवच है। उन्होंने बताया कि दुर्घटनाओं से बचने का एकमात्र उपाय सड़क नियमों का पालन करना है। यातायात नियम ही दुर्घटनाओं को रोकने और उन्हें सुरक्षित सफर कराने का साधन है। इसके साथ ही वाहन चलाते समय किसी भी हालत में मोबाइल का प्रयोग न करने, शराब पीकर वाहन न चलाने की सलाह दी। साथ ही वाहन चालकों व उस पर बैठने वाले लोगों को हेलमेट लगाने की सलाह दी। समय से गंतव्य तक पहुंचने से घर से समय से पहले निकले, जिससे सड़क पर अधिक तेज गति से वाहन चलाने की जरूरत नहीं पड़े। चार पहिया वाहनों के चालकों को सीट बेल्ट का प्रयोग की बात कही। कार्यक्रम में हर्षा खंगार, खुशी सोनी, गोविंद धानक, दीपेंद्र विश्वकर्मा, अभिषेक जाटव ने भी सड़क सुरक्षा को लेकर उपाय बताए। छात्र छात्राओं को दीपक दीक्षित ने पुरस्कृत करने की घोषणा की। कार्यक्रम में शिक्षक दर्शन जाटव, शैलेश राय, लखन अग्रवाल, कांतिवाला श्रीवास्तव, विनीता सोनी, पुरुषोत्तम श्रीवास्तव सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। बात की हमें तो सबसे पहले 18 के पहले गाड़ी चलाना ही नहीं है, चलाना बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, ठीक है। और जैसे मैडम ने बताया जेब्रा क्रॉसिंग की होती है, बड़े बड़े शहरों में जो गाड़ी के लाल सिग्नल होता है तो उस समय गाड़ियां सब रुक जाती है, तो जो पैदल वाले होते हैं वो उस समय क्रॉस करते हैं, उस समय कोई व्यक्ति उनको उस जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस नहीं कर सकता, उस पर जुर्माना लगाया जाता है बहुत से देशों में। अपने यहाँ तो सब चलता है, अपने यहाँ भी नागपुर है जो बड़े जो शहर है वहाँ भी सीधा फाइन होता है, आपके घर पर सीधी पर्ची। आपके वाहन से अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है तो वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति थाने में आपकी FIR करता है, आपके वाहन पर क्लेम लगता है। आपकी गाड़ी का अगर बीमा होगा तो आपके क्लेम का भुगतान बीमा कंपनी करेगी, और अगर आपका लाइसेंस नहीं है, आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है, तो ये भुगतान आपको करना पड़ेगा। और इसका निकले हैं मोटरसाइकिल से, आपके सिर पे हेलमेट नहीं है, आप गिरेंगे, आपके शरीर में चोट लगेगी, हड्डी टूटेगी, जुड़ जाएगी, डॉक्टर जोड़ देगा, लेकिन सिर फटेगा तो डॉक्टर नहीं जोड़ पाएगा। चार माल के साथ में अगर घटना दुर्घटना होती है तो कितना होता है कि शायद हम उसका 10-20 लाख से कम नहीं होता। अब सर आप बता रहे हैं 10-20 लाख रुपए, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पूरा जीवन अगर हम किसी के यहाँ पर पूरे जीवन भर भी काम करेंगे तो ये कर्जा अपन नहीं उतार सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप समाज में होती है उनकी जिम्मेदारी भी हम लोगों के ऊपर है, और जब हम संगठित होकर कोई बात करेंगे, विद्यार्थी आप लोग भी जागरूकता अभियान चला सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, बच्चों को परिवार को घर में समझा सकते हैं, भैया दिन मत चलाइए, घर में भी अपन उनसे कह सकते हैं, इस प्रकार की विभिन्न घटना है। लेकिन मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जिन भी परिवार में हमारे अभिभावक परिवार के बंधु शराब, वो एक बहुत बड़ा विकृति का कारण, दुर्घटनाओं का कारण शराब है, और समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण हमारे समाज के बीच में होना चाहिए। और इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात, सिग्नल अगर है तो इसका अर्थ ये है कि आपको अभी सड़क को पार नहीं करना है, आप जहाँ हैं आप वहीं रहिए। उसके बाद अगर पीली बत्ती जलती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप तैयार हैं, आप क्रॉस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आपको सड़क पार नहीं करनी है। और अंत में जब हरी बत्ती हो जाती है तब आप चौराहा क्रॉस कीजिए। सड़क पे करोड़ों लोग मारे जाते हैं, और ये लापरवाही की सरकार की नहीं, हमारी है। हमको सब पता रहता है, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन आधे लोगों को तो यही नहीं पता कौन से रास्ते से चलते हैं। सबको पता है कि लेफ्ट राइट से चलते हैं या दाएं बाएं, सब पता रहता है, लेकिन कोई पालन नहीं करना चाहता। हम लोग को